की कोर्सेज के ऊपर, पहले इस चीज को जानते हैं कि एडवांस एक्सेल आखिर होता क्या है। क्या जी एडवांस एक्सेल कोई अलग सॉफ्टवेयर है, या एडवांस एक्सेल एक्सेल के कुछ अलग फीचर्स हैं? देखिए, माइक्रोसॉफ्ट ने कहीं इस चीज के बारे में जिक्र नहीं किया हुआ है कि आपका ये फीचर हमारा एडवांस है, ये फीचर हमारे बेसिक है, राइट? जी और डिपेंड करता है हमारे यूज के ऊपर। तो किस जी तरह का यूज, तो चलिए हम आपके साथ दो एग्जाम्पल देते हैं, आपको पता चल जाएगा कि आखिर एडवांस और बेसिक होता क्या है। अगर मैं बेसिक की बात करूं, राइट सर, जैसे मैं यहाँ पे राइट 20 टाइप किया और यहाँ पे 30 टाइप किया, अब मुझे 20 को कॉपी करके अगर 30 के ऊपर पेस्ट करता हूँ तो 30 रिप्लेस कर देता है 20 को। जी लेकिन इसी चीज में अगर मैं पेस्ट स्पेशल करता हूँ और पेस्ट स्पेशल में आप देखेंगे यहाँ पे मल्टीप्लाई डिवाइड सब्ट्रैक्ट ऑपरेशन वाले सेक्शन में जैसे ऐड हुआ, अब दोनों के बीच में कैलकुलेशन होगा और रिजल्ट 50 पेस्ट हो जाएगा। इसी तरह से अगर मैं यहाँ पेस्ट स्पेशल करता हूँ और मैंने मल्टीप्लाई सेलेक्ट कर लिया तो दोनों के बीच में मल्टीप्लीकेशन होगी और रिजल्ट यहाँ पेस्ट हो जाएगा, राइट सर? राइट तो आपने भी सीखा कि पेस्ट स्पेशल करते समय अगर हमने ऑपरेशंस मतलब ले लिया तो क्या होगा, मतलब एड सब्ट्रैक्ट मल्टीप्लाई डिवाइड जैसे चीजों को ले लिया तो क्या होगा, समझ गए? जी अब इसमें ये तो हो गई चीज है, चलिए अब इसमें क्वेश्चन यहाँ पे ये आता है, इसमें एडवांस क्या है? तो चलिए एक छोटा सा एग्जांपल और हम आपको देते हैं। जैसे मेरे पास यहाँ, मैंने यहाँ पे 20 लिखा और 20 को परसेंट का सैंपल दे दिया तो 20% आ गया। देखिए, जी मैं अगर 20 को टाइप करूं और इसके ऊपर परसेंट का सिंबल दूं तो आप देखेंगे 2000%, क्योंकि एक्सेल में 1 = 100% होता है। एक्सेल में क्या होता ठीक है, है, 1 = 100%। 100%। इसका मतलब है कि मुझे बाद में परसेंटेज लगाना है तो हमें 0.20 लिखना होगा, इसके ऊपर कर्सर लेके देन परसेंटेज का सैंपल देना हो। अब यही एक छोटी ओके सी प्रॉब्लम हमारे कलीग करते थे कि मुझे एक डेटा भेजते थे और डेटा के ठीक हेडिंग में एक परसेंटेज दे देते दे थे और मुझे इस तरह से डेटा को भेज देते दे थे, जो कि आप देख पा रहे हैं। समझ गए? अब उनके जी हिसाब से ये परसेंटेज है, उनके हिसाब से क्या है, ये परसेंटेज परसेंटेज। लेकिन अगर मैं बात करूं अपने हिसाब नॉर्मल एक्सेल की बात करूं तो एक्सेल में 49 है, 49% नहीं है, मतलब कि मुझे 500 का 49% निकालना होगा। अगर 49% फॉर्मेट में हुआ तो बी जस्ट मल्टीप्लाई, हम इसको आपस में क्या कर लेंगे, मल्टीप्लाई कर लेंगे। लेकिन 49 नंबर फॉर्मेट में हुआ तो हम इसको आपस में मल्टीप्लाई नहीं कर पाए, क्योंकि मल्टीप्लाई करने पे रिजल्ट हमारा कुछ और आएगा, तो हमें डिवाइड बाय 100 भी करना पड़ेगा, मतलब फॉर्मूले को चेंज करना पड़ेगा। अब प्रॉब्लम ये है कि इस डेटा को जहां मैं यूज करना चाहता हूँ वहां पे हमें परसेंटेज फॉर्मेट चाहिए, हम ऐसे नंबर नहीं डाल सकते। तो कैसे करें, मतलब कि मुझे इस डेटा को कॉपी करके वहां पेस्ट करने से पहले इसको परसेंटेज में कन्वर्ट करना। तो परसेंटेज में कन्वर्ट करने के दो तरीके हैं। पहला तरीका है कि मैं यहाँ पे परसेंटेज एक एक सेल में जाऊं, इस तरह से परसेंटेज लगाता जाऊं, जी लेकिन ये प्रॉब्लम हो सकती है क्योंकि काफी ज्यादा बड़ा डेटा होगा तो प्रॉब्लम हो जाएगी। दूसरा है कि इसको हम 0.49 में कन्वर्ट करके फिर परसेंटेज लगा सकते हैं। तो कन्वर्ट कैसे करें, तो इससे पहले जो एग्जांपल मैंने दिया था कि हमने 20 और 30 वाला जो एग्जांपल मल्टीप्लाई किया था आपको,
तो सेम मेथड अपनाएंगे हम, किसी एक सेल पे 100 को कॉपी करके रखेंगे, और इस 100 को कॉपी करके पूरे एक एरिया को सेलेक्ट कर लेंगे जहां तक आपका डेटा होगा। राइट क्लिक, पेस्ट स्पेशल, और इस पेस्ट स्पेशल में यहाँ आपके सामने आएगा डिवाइड। क्या आएगा? डिवाइड डिवाइड। डिवाइड को सिलेक्ट करके जैसे ओके करेंगे तो आप देखेंगे कि हर नंबर परसेंटेज के साथ कन्वर्ट ठीक है। होने के लिए तैयार है, मतलब डेसिमल में हो चुके हैं। मुझे जस्ट इसके ऊपर क्लिक करना, और क्लिक करते ही डेसिमल बन जाएगा। समझ गए? कोई हाँ जी, यस डाउट? जी सर। तो इसमें आप पता चला कि इसमें बेसिक और एडवांस क्या होता है? हाँ जी सर। गूगल मेल। तो अगर इसी चीज, किसी टॉपिक को मैंने यहां पे आपको बताया तो ये आपको बड़ी आसान सी चीज लगी, कोई बड़ा खास नहीं, चेंजिंग नहीं जी लगा। लेकिन इसी चीज राइट सर। को अब मैंने एक प्रॉब्लम के साथ शेयर किया तो आपको पता चला कि हाँ, दिस इज द वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट। ठीक यस सर है, जी। इसलिए हमने आपको बताया कि एडवांस एक्शन लगाने का तरीका है, और हमारी सारी क्लासेस में इसी तरह की चीजें लगाई जाएगी। अब हम बात करते हैं कोर्स के ऊपर। हालांकि कोर्स का पीडीएफ आपको मैंने भेजा था, फिर भी एक बार हम दोबारा इस कोर्स को समझाते हैं आपको। मेरे पास बेसिकली दो तरह के कोर्स है। पहला है हमारा लाइव क्लासेस, अभी जो हमसे आप बात कर रहे हैं दिस इज द लाइव क्लासेस। ठीक है, ओके हम जूम के जरिए जो है, जूम के जरिए ज्वाइन करते हैं। मंडे टू फ्राइडे 1 घंटे के आसपास होता है, 1 से 3 लोग बैच में होते हैं, राइट सर? और इसमें आपकी हम हर एक ओके प्रॉब्लम को सुनते हैं, आपकी ऑफिस की प्रॉब्लम होती है तो उसके सॉल्यूशन भी देने की कोशिश करते हैं। तो ये रेगुलर बेसिस पे चलता है, मेरे साथ इंटरेक्टिव होता है, मैं खुद लूंगा आपकी। दूसरा आता है वीडियो कोर्स। वीडियो कोर्स क्या होता है कि आपको मेरे मोबाइल ऐप और मेरे वेबसाइट का एक्सेस मिल जाएगा, जहां पे आप लॉग इन करके मेरे कोर्स, जो जो कोर्स की वीडियोज है वो भी मेरे द्वारा ही रिकॉर्ड की गई है, उसको आप देख सकते हैं। उसमें कोई प्रॉब्लम, कोई डाउट आता है तो उसके लिए आपको टेलीफोनिक सपोर्ट होता है। दिन में एक आध बार फोन करके मुझसे बात कर सकते हैं कि सर कोई प्रॉब्लम है तो आप, बता सकता हूँ आपको। ठीक है ना सर? ओके लेकिन जैसे हमारी बातचीत हुई है, आप लाइव क्लास के अंदर, मतलब कि ऑनलाइन क्लासेस के अंदर आप इंटरेस्टेड हैं, तो लाइव क्लास पे क्लिक करेंगे तो आप लाइव क्लास करने वाले वेबसाइट पे रीडायरेक्ट हो जाएंगे। हम बात कर रहे हैं एडवांस एक्सेल विद फॉर्मूला। अब एडवांस एक्सेल विद फॉर्मूला में क्या क्या है? बेसिक टू एडवांस लेवल है, ठीक है? और इसके अंदर जो टॉपिक्स कवर है उसके हाईलाइट्स यहाँ मैंने दिया हुआ है कि क्या क्या टॉपिक कवर इसके अंदर, आप देख सकते हैं। अगर पूरी जी कंप्लीट डिटेल चाहिए तो आप डाउनलोड पीडीएफ करेंगे, जो पीडीएफ मैंने आपको भेजा है, राइट सर? जी उसमें आप देख सकते हैं। तो इसमें पूरी की पूरी है, और इसमें टाइम टू टाइम, सेक्शन बाई सेक्शन, इसमें हमने प्रोजेक्ट वगैरह भी डाला हुआ है। हर दिन आपको फाइल मिलेगी, लाइव प्रोजेक्ट मिलेंगे जिसको आप यूज करेंगे और प्रैक्टिस करेंगे। प्रैक्टिस करते समय कोई प्रॉब्लम होती है तो मुझे कॉल कर सकते हैं। क्लासेज जो भी, जब भी होगी लाइव होगी, लेकिन उसकी रिकॉर्डिंग भी आपको मिलेगी। ऐसा नहीं कि रिकॉर्डिंग नहीं मिलेगा, वो तो आप रिकॉर्डिंग भी पर डे आपको मिलेगा। आज के जो सेशन हो रहा है ये भी रिकॉर्ड हो रहा है, ये रिकॉर्डिंग भी चाहो तो आपको मिल सकता है। ओके ओके सर, जी अब बात करते हैं कि इसकी टाइमिंग क्या क्या है। जैसे हमारी फोन पे जी बात हुई थी, मैं अगर आपको टाइम देना चाहूँ तो आप ले सकते हैं। मॉर्निंग 10 बजे का टाइम है, मॉर्निंग 6 बजे का टाइम है, और शाम को 6:30 का टाइम अवेलेबल है। ठीक है, ओके ठीक है। तो जैसे कि आपसे बात हुई थी, 6:30 का टाइम आई थिंक आपके लिए सुटेबल है, राइट? राइट सर। तो 6:30 हम मंडे से कंटिन्यू करेंगे, ठीक है सर? ठीक है सर। और मंडे से बैच स्टार्ट होगा आपका, जो भी प्रॉब्लम होगी मेरे साथ डिस्कस कर सकते हैं। लेकिन तब तक क्या करेंगे आप? तब तक आपको हम एक वीडियो रिकॉर्डिंग व्हाट्सएप कर रहे हैं, ठीक है सर? ठीक है। एक
वीडियो रिकॉर्डिंग मैं आपको अभी व्हाट्सएप कर रहा हूँ, उस रिकॉर्डिंग को देखें। उसको बोला जाता है प्रिपरेशन ऑफ द क्लासेस, क्योंकि जब भी हम क्लास लेंगे तो जो इम्पोर्टेंट टॉपिक होगी उसकी वीडियो हम आपको शेयर करेंगे। ठीक ओके सर, ठीक है सर? है सर। तो अभी मैंने आपको जो वीडियो भेजा हूँ इस पर प्रिपरेशन द लर्निंग करते हैं, पूरी माने कि फास्ट ट्रैक में है, और ये 5 घंटे के आसपास की रिकॉर्डिंग है, ओके इसको एक बार अच्छे से देख लीजिएगा। जी सर। ठीक है, और संडे का टाइम फ्री है, देख के मंडे हम इसी टाइम पे शुरू करेंगे।